गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल. सो वी विल स्टार्ट अवर पार्ट 7th. ओके, जैसे प्रीवियस वीडियोज़ में हम पार्ट 6 तक ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, जहां हमने पढ़ा था एलिमेंट्स के बारे में, यानी तत्वों के बारे में पढ़ चुके थे हम. अब जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं, उसके अलावा हमने परमाणु तथा अणुओं के बारे में पढ़ा था. तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे परमाणु द्रव्यमान तथा आणविक द्रव्यमान के बारे में. जैसा कि हमने पढ़ रखा है कि परमाणु और अणु क्या होते हैं, तो उनका कोई ना कोई द्रव्यमान जरूर होता है, क्योंकि हमें पता है कि परमाणु जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और उसके इसी अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को कंसिडर करते हैं. तो इन्हीं का कोई ना कोई अलग अलग मास होता होगा, तो उस मास को की डेफिनेशन लेकर हम कैसे इसका मास कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले. तो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम एटॉमिक मास, यानी जिसे हिंदी में कहते हैं परमाणु द्रव्यमान, उसके बारे में. ठीक है, और ये जो द्रव्यमान हम कंसिडर करते हैं वो किसके बेसिस पर करेंगे, कार्बन 12 के बेसिस पर. कार्बन 12 का मतलब यह है कि कार्बन का हमको पता है कि कार्बन के कई अपर रूप होते हैं, है ना. यानी अपर रूप किस हिसाब से, जैसे समस्थानिक हुए, जैसे समस्थानिक को जिसे आइसोटॉप्स कहते हैं इंग्लिश में. जैसे कार्बन है, कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है, कार्बन 14 होते हैं. ये 12 13 14 जो क्या बता रहा है कि कार्बन क्या है, इसमें क्या है, एटम्स जो है वो तो सेम है ना. यानी कि क्या है, इनके जो इनका परमाणु क्रमांक जो है, यानी कि एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है, बट इनका एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है. ये है तो सारे कार्बन, ये सारे है तो कार्बन, बट ये क्या है, इनके जो भार है यानी परमाणु द्रव्यमान है वो कहीं ना कहीं अलग अलग है. इसीलिए हम इसे कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 कह रहे हैं. जो ये बता रहा है कि इनके कार्बन है तो सारे कार्बन, पर क्या है, इनका जो भार है वो क्या है, अलग अलग है, जिसे हम सब स्थानीय आइसोटॉप्स कहते हैं. ओके, तो जब हम ये एटॉमिक मास का जो मॉडर्न कंसिडरेशन किया जाता है वो कार्बन 12 के बेसिस पर किया जाता है. तो हम स्टार्ट करें फिर का डेफिनेशन. तो एटॉमिक मास किसे कहते हैं, कंसीडरिंग द एटॉमिक मास ऑफ द कार्बन 12 एटम टू बी 12 amu, टू द रिलेटिव मास ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज द बेसिस ऑफ द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास. देयरफॉर एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ वी शोज अस टू हाउ मेनी टाइम्स एन एटम ऑफ द एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन एटम. यानी कि क्या, कार्बन परमाणु के परमाणु द्रव्यमान को 12 amu मानकर किसी तत्व के परमाणु का तुलनात्मक द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा का आधार है. इस प्रकार किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग से जितना गुना भारी होता है, उस तत्व को उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाती है. यानी कि क्या माना गया है, इसमें क्या माना गया है कि कार्बन जो है उसका भार कितना माना गया है, कार्बन 12. यानी कार्बन का परमाणु द्रव्यमान ऑलरेडी कितना माना है, 12, और उसके बेसिस पर हम जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करेंगे. और जो ये बताएगा कि कार्बन के 1/12 भाग से वो पर्टिकुलर परमाणु जो है वो कितना भारी है ना. तो ये कार्बन का परमाणु द्रव्यमान की डेफिनेशन हो गई हमारी, जहाँ पे ये amu है. इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हिंदी में कहते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं परमाणविक द्रव्यमान इकाई. ठीक है, जिसे जिसका शॉर्ट फॉर्म amu लिखते हैं. और जिस किसी का भी वैसे परमाणु द्रव्यमान की कोई इकाई नहीं होती, फिर भी इसको amu में रिप्रेजेंट किया जाता है. आप जब भी देखोगे परमाणु द्रव्यमान को तो उसके पीछे amu लिखा ही होगा. तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं. इसकी जो सबसे पहले एग्जांपल्स देखने से पहले इसका जो फॉर्मूला है उसे हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं. तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए, यानी कि एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कंसिडर करने के लिए, यानी कि आइडेंटिफाई करने के लिए, हमको क्या चाहिए होता है, तत्व के एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान. यानी कि कोई भी तत्व है, कोई भी एलिमेंट है हमारे, उसके एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान हमको पता होना चाहिए. साथ में क्या होना चाहिए, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन C12 के एक परमाणु का 1/12 का द्रव्यमान, यानी कि 1/12 पार्ट ऑफ अ मास ऑफ अ कार्बन एटम. यानी कार्बन एटम का 1/12 पास मास, और क्या है, हमारे को हम जो एलिमेंट ले रहे हैं उसका किसी एक परमाणु का यानी कि एक एटम का द्रव्यमान वो कंसिडर करते हुए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एटॉमिक मास. जैसे यहाँ पे मैं को एक एग्जांपल दे रखा है, फॉर एग्जांपल यानी उदाहरण के लिए, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 होता है,
इसका अर्थ है कि नाइट्रोजन का एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के 1/12 भाग के द्रव्यमान की तुलना में 14 गुना भारी है। यानी कि जिस एलिमेंट का मास जितना आएगा वो उसके कार्बन 1/ जो हमारा कार्बन है उसके 1/12 पार्ट से उतना भारी होगा। ठीक है, जैसा कि इसी में कार्बन नाइट्रोजन का एग्जांपल दे रखा है कि एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14। इट मींस दैट एन एटम ऑफ द नाइट्रोजन इज 14 टाइम हैवियर देन 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन एटम। यानी कि हम यहाँ क्या कहेंगे, जो हमारा एटॉमिक मास जो आया है नाइट्रोजन का 14, वो हमारे कार्बन के जो 1/12 पार्ट है उसका कितना है, 14 गुना है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एटॉमिक मास को कंसिडर किया जाता है। ठीक, एटॉमिक मास के बाद हम जो पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि परमाणु द्रव्यमान की कोई इकाई नहीं होती है ना, फिर भी इसको किस में व्यक्त किया जाता है, एएमयू में व्यक्त करते हैं, है ना। इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। एग्जांपल्स दे रखे हैं हमको एंटीमनी, एल्यूमिनियम एंटीमनी, आर्गन, आर्सेनिक, बेरियम, इन सब के बारे में दे रखा है। इनके जो प्रतीक होते हैं यानी कि इनके जो सिंबल्स होते हैं वो ये रहे। एल्यूमिनियम का एयर होता है, इसका जो परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर जो होता है, जिसे इंग्लिश में एटॉमिक नंबर कहते हैं, एटॉमिक नंबर, वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है वो एटॉमिक मास है। ठीक, यानी कि क्या दे रखा है हमको, जो एल्यूमिनियम है उसका जो सिंबल AL होता है, उसका परमाणु क्रमांक 13 होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 26.9 होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1/12 भाग कार्बन परमाणु से कितना गुना भारी है, 26.9 गुना भारी होता है। तो इसी तरह से हमको क्या दिए हुए हैं, अलग अलग क्या दे रखे हैं, जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं उन सबके परमाणु द्रव्यमान इस तरह से हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान के बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बारे में। ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या है, ग्राम परमाणु द्रव्यमान कोई डिफरेंट नहीं होता है, जब हम परमाणु द्रव्यमान को अगर ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, यानी कि हमारा जो एटॉमिक मास है उसको हम ग्राम में प्रेजेंट कर रहे होते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो वो क्या हो जाता है, हमारा ग्राम परमाणु द्रव्यमान यानी ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। When the mass of an atom is expressed in the gram, it is called gram atomic mass. For example, if the atomic mass of oxygen is 16, then its gram atomic mass will be 16 gram. In the same way, the gram atomic mass of the hydrogen and nitrogen is 1.008 gram and 14 gram respectively. 1 gram atom of the element represents the amount of the equivalent to 1 gram atomic mass of the element. यानी कि वही है कि जब किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान ग्राम में प्रदर्शित किया जाता है तो वो ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हमने अभी हाल पढ़ा था कि हमारा नाइट्रोजन होता है उसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो 14 है, इसी को जब मेरे को मुझे ग्राम में प्रेजेंट करना होगा, जब मैं इसको ग्राम में प्रेजेंट कर रही होंगी तो ये ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। ऐसे हम नाइट्रोजन के अलावा हम एग्जांपल ले लेते हैं ऑक्सीजन का। ठीक है, जो हमारा ऑक्सीजन परमाणु होता है इसका जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 16 होता है। जब इसको आप ग्राम में रिप्रेजेंट करोगे तो वो क्या कहलाएगा, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से परमाणु द्रव्यमान को जब हम ग्राम में प्रेजेंट कर रहे होते हैं यानी ग्राम में प्रदर्शित कर रहे होते हैं तो वो क्या होता है, ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद जब हम बात करेंगे वो बात करेंगे आणविक द्रव्यमान के बारे में। अभी हमने जो पढ़ा वो क्या, किस बारे में पढ़ा था, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु किसे कहते हैं ये आपको पता है, तो उसके हिसाब से हम परमाणु द्रव्यमान कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करनी है हमको आणविक द्रव्यमान, अणु किसे कहते हैं, जब दो परमाणु से ही मिलकर बना होता है हमारा अणु। तो हम स्टार्ट करें अब अणु की यानी कि आणविक द्रव्यमान यानी मॉलिकुलर मास के बारे में। पदार्थों के अणुवार कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान 12 mu मानकर उसके सापेक्ष ज्ञात किया जाता है। यौगिक का एक अणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग से जितना गुना भारी होता है वह क्या कहलाएगा, आणविक द्रव्यमान कहलाएगा। यानी मॉलिकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस आर डिटरमिनेड रिलेटिव टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ अ कार्बन 12 mu। द मॉलिकुलर मास ऑफ अ कंपाउंड इज द नंबर विच शोज दैट हाउ मेनी टाइम्स इज द हैवियर देन 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। यानी कि वही है, इस केस में भी हम किसको कंसिडर कर रहे हैं, कार्बन 12 को ही कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, यानी 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन से जितना हेवियर रहेगा हमारा कौन, वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल यानी उसका आणविक द्रव्यमान जितना
भार ही रहेगा किससे, कार्बन 12 के 1/12 भाग से, तो वो कितना हो जाएगा, वो उसका क्या कहलाएगा, आणविक द्रव्यमान कहलाएगा। हम इसका एग्जांपल देखें, जैसे कि हम बात कर लेते हैं, हमको एग्जांपल देखते हैं हम H2O के बारे में। जो ऑक्सीजन होता है उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है। जो हमारा हाइड्रोजन होता है उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 और 1 2 हो जाएंगे, क्योंकि दो हाइड्रोजन है, तो एक तरह से टोटल इनका जो द्रव्यमान होगा वो 18 हो जाएगा। ठीक है, तो वही बताया गया है कि एक तरह से इसको क्या कंसिडर करेंगे कि कार्बन 12 जो है कार्बन 12 के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है, ये 18 गुना भारी है। ये किस केस में निकाल रहे हैं, या अणु के केस में निकाल रहे हैं। पहले जो हमने पढ़ा वो किसके केस में पढ़ा, परमाणु के केस में पढ़ा, यानी किसी परमाणु का, किसी अणु का आणविक द्रव्यमान कार्बन 12 के 1/12 भाग से जितना ज़्यादा होगा वो उसका क्या कहलाएगा, आणविक द्रव्यमान कहलाएगा। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल देख लिया यहाँ पे, तो इतना किया हमने। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए, तो हम सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हम एटॉमिक मास ही कंसिडर करेंगे, है ना। जैसे कि हमने H2O की बात करी यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने H का क्या किया, 2 × एटॉमिक मास ही किया एक तरह से, और हाइड्रोजन का भी एटॉमिक मास ही लिया, तो टोटल हमारा क्या है, मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास आ गया। एक एग्जांपल और देखते हैं हम, जैसे हम H2SO4 की बात करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है, इसमें हमको क्या करना है, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए मॉलिक्यूलर जो है, ये जो अणु जो बना है, यानी कि जो आणविक द्रव्यमान निकालना है हमको, तो निकालेंगे तो हम परमाणु द्रव्यमान के बेसिस पर ही, तो क्या हो जाएगा, 2 × क्या रहेगा, हाइड्रोजन का जो क्या रहेगा, हाइड्रोजन का क्या चाहिएगा हमें, आणविक क्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान चाहिएगा। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान है ना, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, प्लस क्या रहेगा, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान, और प्लस में क्या रहेगा, जो हमारा ऑक्सीजन का है उसमें कितने परमाणु द्रव्यमान चाहिएगा, ऑक्सीजन में क्या करेगा, परमाणु द्रव्यमान का कितना गुना चाहिएगा, हमारे साथ 4 ऑक्सीजन है, तो 4 गुना किसका, ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान का। ठीक है, तो इस तरह से हम H2SO4 का भी आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। आणविक द्रव्यमान किसके हिसाब से निकलेगा, हमारा परमाणु द्रव्यमान के बेसिस पे ही निकलेगा, क्योंकि कहीं कोई भी अणु जो मिलकर बना होता है परमाणुओं से ही मिलकर बना होता है। ठीक है, इतना कंप्लीट किया हमने। अब हम आगे बात करें, जो आगे हमें बात करनी है वो करनी है हमें आणविक द्रव्यमान का, वही फॉर्मूला सेम हो जाएगा। इसमें क्या चाहिएगा हमको, अब मास किसका चाहिएगा, एक किसी मॉलिक्यूल का चाहिएगा। हम जो उस केस में मास ले रहे थे परमाणु द्रव्यमान के केस में, उसमें क्या ले रहे थे, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, और इसमें क्या लेंगे, मास ऑफ एन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। जो हमने अभी पढ़ा था हमारा परमाणु द्रव्यमान निकालते समय, उस केस में हमने क्या पढ़ा था, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, बट हम इस केस में क्या पढ़ने वाले, हमको क्या चाहिएगा, मास ऑफ एन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। ओके, तो स्टार्ट करें हम, वही ये कि क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला यही हो जाएगा, और किसके बेसिस पर देख रहे हैं हम, कार्बन 12 के 1/12 भाग का द्रव्यमान, उसके बेसिस पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, वही ये इसको AMU में ही व्यक्त किया जाता है, इसे भी जैसा कि हमने सल्फर का, हमने H2SO4 का एग्जांपल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वही यहाँ पे बताया। अब वही ये, अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम ग्राम मॉलिक्यूल मास, तो वही है कि अब आणविक द्रव्यमान को हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, ग्राम आणविक द्रव्यमान कहलाएगा। जैसा कि हमको H2O का एग्जांपल दे रखा है हमें यहाँ, ठीक है, H2O का आणविक द्रव्यमान हमने हाल पता करा कि H2O का जो क्या होता है मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18 होता है। तो वही 18 को जब हम H2O को, यानी हमारे जल को, वाटर को अगर ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे होंगे उसके आणविक द्रव्यमान को, तो वो क्या कहलाएगा, ग्राम आणविक द्रव्यमान कहलाएगा, यानी कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी कंप्लीट हुआ। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं फॉर्मूला मास के बारे में, फॉर्मूला मास, यहाँ जिसे सूत्र द्रव्यमान कहते हैं। अब सूत्र द्रव्यमान क्लियर समझ में आ रहा है कि किसी भी पर्टिकुलर जो हमारा कंपाउंड रहेगा हमें उसके बेसिस पर किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का जो भार निकलेगा वो उसका क्या कहलाएगा, सूत्र द्रव्यमान कहलाएगा। कैसे, जैसे आयनिक हमारे जो आयनिक पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे आयनिक पदार्थ जिन्हें अणुओं में पृथक नहीं किया जा सकता, इन पदार्थों में धनायन तथा ऋणायन त्रिविम संरचना रखते हैं। इस प्रकार के पदार्थों में अणुभार के स्थान पर सूत्रभार ज्ञात किया जाता है। अणुभार की बात ही सूत्रभार पदार्थ की निम्नतम संरचना की इकाई में उपस्थित परमाणुओं के परमाणु भारों का योग होता है। यानी कि क्या होता है, हमारे जो हमारे यौगिक या कंपाउंड होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है आयनिक और एक होता है ससंयोजी से
कोवेलेंट कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारे आयोनिक जो रहते हैं उसमें हम क्या करते हैं, उनको धन आयन या ऋण आयन में ही तोड़ सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस में ही तोड़ सकते हैं। हम उनको ये नहीं कह सकते कि हम इनको क्या कह सकते हैं, इनके अणुओं में कंसिडर कर सकें, ठीक है। तो इस केस में हम जो निकालते हैं फॉर्मूला मास, वो क्या निकालते हैं, फॉर्मूला मास निकालते हैं। जो मास रहता है फॉर्मूला मास कहलाता है, ना कि क्या कहेंगे उसे, आणविक द्रव्यमान कहेंगे। जैसा कि हमने अभी H2O के बारे में पढ़ा था, हमने H2O के बारे में पढ़ा था, H2SO4 के बारे में पढ़ा। बट ये सब क्या है, इनको हम क्या कह सकते हैं, ये एक तरह से सब क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड है ना। तो इनमें क्या है, इनको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि इनमें क्या है। इन केस भी क्या है कि पृथक्करण पाए जाते थे, पर हमारे जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनमें मिलते हैं, बट जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक पदार्थ होते हैं, उसमें क्या है, हम अणु का डिफरेंस नहीं कर सकते। इसलिए इस केस में जो निकालते हैं हम क्या निकालते हैं, फॉर्मूला मास निकालते हैं। जैसे कि फॉर्मूले के बेसिस पर उसका जो द्रव्यमान बनेगा वो फॉर्मूला मास कहलाएगा, ठीक है। जो डेफिनेशन भी हमारी यही है कि अणुभार की भांति सूत्रभार के निम्न संरचना इकाई में उपस्थित पदार्थों का परमाणु भार का योग होता है। यानी कि क्या है, जो हमारे निम्न संरचना, जैसे हमारा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हम बात कर लेते हैं NaCl की, ठीक है। जो NaCl है वो हम कहते हैं कि Na+ और Cl- आयन से मिलकर बना होता है ना। जबकि हमारा जो H2O होता है वो क्या होता है, इन इस केस में क्या कर रहा होता है कि इन दोनों ने अपन आपस में क्या कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग या साझा किया होता है। तो ये एक तरह से अणु फॉर्म में बना हुआ है, बट ये क्या कहलाएगा, हमारा इनके बीच जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड है, बट ये जो बना हुआ है ये प्लस और माइनस चार्ज से मिला हुआ है, तो ये क्या एक आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो इनका जो मास निकालेंगे वो क्या कहलाएगा, फॉर्मूला मास कहलाएगा। जैसे सोडियम होता है उसका जो आणविक द्रव्यमान होता है वो 23 होता है, और जबकि क्लोरीन जो होता है उसका आणविक द्रव्यमान होता है 35.5, ठीक है। तो इनका जो टोटल आणविक द्रव्यमान हो जाएगा, यानी हमारा जो NaCl रहेगा उसका फॉर्मूला मास कितना कहलाएगा, 58.5 कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारे ऐसे पदार्थ रहते हैं जो क्या होते हैं, धन आयन तथा ऋण आयन की ऐसे बने होते हैं, उनके उनके केस में क्या निकालेंगे, हम फॉर्मूला मास निकालेंगे। निकालेंगे तो वही आणविक द्रव्यमान के बेसिस पर वो क्या निकालते हैं, उसमें फॉर्मूला मास निकालते हैं। जबकि हम जो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड रहेंगे, कोवेलेंट कंपाउंड रहेंगे, उनमें हम क्या निकालते हैं, आणविक द्रव्यमान निकाल रहे हैं, यानी वो अणु के केस में। और ये क्या हो जाएंगे, धनायन तथा ऋण आयन के केस में, यानी पॉजिटिव तथा नेगेटिव चार्ज से मिलकर बना है, इसलिए इस केस में फॉर्मूला मास निकालते हैं। हम एक एग्जांपल और कंसिडर करते हैं, हम HCl की बात करते हैं, ठीक है। ये भी H+ और Cl- आयन से मिलकर बना हुआ एक तरह से, है ना। तो इस केस में भी इसका जो भार निकालना होगा वो कहता है कि हाइड्रोजन कितना होता है, जो हाइड्रोजन होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, एक ही होता है। जबकि जो क्लोरीन होता है उसका हमने अभी हाल पढ़ा कि 35.5 होता है। तो टोटल HCl का जो हो जाएगा वो फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा, 36.5 हो जाएगा। तो इस तरह से जिसमें जो आयन जो होते हैं, यानी कि जो कंपाउंड हुआ है, धन आयन तथा ऋण आयन से मिलकर बनाते हैं, पॉजिटिव तथा नेगेटिव चार्ज से मिलकर बनाते हैं, उस केस में हम क्या कंसिडर करते हैं, फॉर्मूला मास। पर अगर हमारे अणुओं के केस में होगा, यानी कोवेलेंट बॉन्ड से मिलकर बने होंगे, तो वो उस केस में क्या निकालते हैं, हम आणविक द्रव्यमान निकालते हैं, ठीक है। इतना कंप्लीट हुआ, अब हमको जो आगे पढ़ना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।